डीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज पेरोल अकाउंटिंग में हम लोग को ये देखना है कि पेरोल अकाउंटिंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं ना, तो आगे का अकाउंटिंग करने से पहले हमें उन रूल्स को जानना बहुत जरूरी। जैसे रूल्स में देखो क्या है, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये पीएफ क्या है, पीएफ क्यों जरूरी है, ये सब चीजें। देखिए पीएफ क्या, पहले चीज समझिए पीएफ को हम लोग, देखो पीएफ को हम लोग, उसका सही नाम है ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। कुछ बेसिक जानकारी है, देखो दे रखा है ईपीएफ एक तरह का निवेश है जो किसी सरकारी या गैर सरकारी, सरकार गैर सरकारी तो प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारी के लिए होता है। उसका एक प्रकार का क्या इन्वेस्टमेंट है जो उसके भविष्य में सहायक होता है, फ्यूचर में हेल्प करता है उस। यह फंड ईपीएफओ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोषित मेंटेन किया जाता है। कानून के अनुसार वह कंपनी जिसके पास 20 से ज्यादा व्यक्ति काम करने वाले हैं, अगर किसी कंपनी के पास 20 से अधिक एम्प्लॉई हैं काम करने वाले, तो उसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में होना जरूरी। यदि छोटे बिजनेस के लिए लागू नहीं होता है, अगर आपके पास 20 से ज्यादा स्टाफ हैं, 20 से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ डिपार्टमेंट में कराना पड़ेगा, जिसका पूरा नाम है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति की तनख्वाह का कुछ भाग हर महीने में यहाँ जमा होता है, और यह पैसा व्यक्ति के पास काम ना होने पर और रिटायरमेंट के समय काम आता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, कोई सरकारी कर्मचारी कहीं काम कर रहा था ना, तो वो बोलते हैं लोग रिटायर हुआ है, पीएफ का पैसा आया है, उसी पीएफ के पैसे से घर बनवा लिए हैं, पीएफ के पैसे से बेटी की शादी कर दिए हैं। तो पीएफ का पैसा क्या है, जब वो जॉब कर रहे थे तो उनकी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा कट रहा था, और कट कर वो ये ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जमा हो रहा था, और जब वो रिटायर हुए हैं या बीच में अगर उनको जरूरत पड़ा है तो उसको वो निकाल। अब क्वेश्चन है सैलरी से ईपीएफ कितना जमा होता है, यानी ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना होता है फ्रॉम इंप्लॉई इंप्लॉइज, ये चीज हम लोग को समझना है। देखा है जब भी आप किसी कंपनी में या किसी ऐसी जगह पर जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत है में काम करते हैं, तब आपकी तनख्वाह का 12%, आपको आपकी तनख्वाह का 12% जिस कंपनी या संस्था में आप काम करते हैं उसको ईपीएफओ में जमा करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी तनख्वाह से कटा हुआ 12% तो आपके ईपीएफ खाते में चला जाएगा, लेकिन आपकी कंपनी द्वारा 3.67% ईपीएफ में और 8.33% ईपीएस में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है। देखो 12% एम्प्लॉय अपने सैलरी से देगा और 12% कंपनी देगी, लेकिन जो कंपनी 12% देगी उसमें से 3% पीएफ में जाएगा, 3.67%, और बचा हुआ बाकी जो है 8.33% ये इंप्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं ईपीएस, जिसका नाम इस समय बदल के कर दिया गया है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। बात समझ में आ गया ना, पहले इसका नाम ईपीएस होता था, इसका नाम एनपीएस कर दिया गया। समझ में आया, जैसे मान लो किसी इंप्लॉय की सैलरी है 10,000 मान लेते ना, तो इसकी सैलरी से 12% कटेगा, इसकी सैलरी से 12% कटेगा, तो 12% में कितना कटेगा, 1200 रुपये, यही तो होगा, इसका 12% कितना हो गया 1200 रुपये, और ये 1200, ये जो 12% है ये सीधे चला जाएगा इसके ईपीएफ के खाते में, ये हो गया इसका ईपीएफ का अकाउंट। तो 12% यहां से क्या हो गया, ईपीएफ कट गया। उसके बाद जो कंपनी, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी भी अपना 12% देगी, ये तो 12% किसका हो गया, इंप्लॉय की सैलरी से जो कट रहा है वो, और उसमें से 12% और कंपनी अपने पास से भी लगाएगी, और उस 12% में लगभग 3.33%
6.67%, 3.67% ये पीएफ में जमा होगा, और जो बचा है 8.33% ये उसकी पेंशन वाले खाते में जमा होगा। तो जब वो रिटायर होगा इस अमाउंट से उसको पेंशन मिलेगा, और इस ये अमाउंट उसको एक साथ इकट्ठा होके मिल जाएगा। बस नया 12% इंप्लॉय देगा और 12% उसका कंपनी भी अपने पास से कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन जो कंपनी 12% देगी उसमें 3.67 पीएफ में चला जाएगा और बाकी 8.33% उसकी उसमें चला जाएगा पेंशन की स्कीम। इस तरह अगर कंपनी को देखा जाए तो 12% तो ये पीएफ हो गया और लगभग 3.67% जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, दोनों मिला के आपका हो जाएगा टोटल 15.67% ईपीएफ में जमा। बात समझ में आ रहा ना, दोनों मिला के 15% जो है ईपीएफ में जमा होता है। और यदि आपकी बेसिक तनख्वाह 6500 से ज्यादा है तो आपकी कंपनी या नियोक्ता द्वारा अधिक से अधिक 6500 रुपये का 8.33% यानी 541 रुपये ही ईपीएफ में जमा किया जाएगा, बाकी पैसा ईपीएफ में चला जाएगा। इस तरीके से कुल 24% हिस्सा आपके पीएफ में जमा हुए, जिसे आप नौकरी छोड़ने या किसी विशेष काम आने पर निकाल सकते। जब आप जॉब रिजाइन करेंगे तब निकाल सकते हैं, या कोई बीच में आपको अर्जेंट काम आ गया तो उस समय भी इसको विड्रॉल कर सकते हैं। इस ईपीएफ पे ब्याज भी आपको मिलेगा। ईपीएफ पे ब्याज कितना मिलेगा, जो पैसा आपका ईपीएफ का जमा हो रहा है उस पे आपको ब्याज भी मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा वो देखिए, ईपीएफ पर सरकार द्वारा वार्षिक ब्याज से भी ब्याज भी दिया जाता है। ब्याज की दर सरकार और सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में यह दर 8.75%, यानी 100 रुपये अगर पीएफ में आपका जमा होगा तो साल के अंत में आपको 108.75 रुपये वापस होगा। इस पीएफ के पैसे पे सरकार आपको ब्याज भी देगी। हाँ हाँ वही तो हम बता रहे हैं। मान लो 12% आपकी सैलरी से कट गया और 12% कंपनी अपने पास से लगाएगी, जो 12% कंपनी अपने पास से लगाएगी उसमें 3.67 आपका पीएफ में जाएगा, बाकी जो 8.33% बच रहा है वो आपकी पेंशन स्कीम में पैसा जमा। तो पेंशन तब होगा जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पेंशन मिलता रहेगा ना, लेकिन बाकी जो पीएफ का पैसा है जब आप जॉब छोड़ रहे हैं या बीच में आपको जरूरत पड़ रही है तो उस समय भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। देखो लिखा है मैं अपना पीएफ नहीं कटवाना चाहता, क्या यह हो सकता है? हम चाहते हैं हमारा पीएफ ना कटे, ये बोला जी हाँ। यदि आप अपना काम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हो तो अपना फॉर्म 11 भर कर अपना ईपीएफ खाता खोलने से बच सकते हो। अगर आप कह रहे नहीं हमको पीएफ वगैरह नहीं चाहिए, पीएफ ना लेने पर अपना ही तो नुकसान है। पीएफ लेने पे फायदा यह है कि हमारी सैलरी से उतना परसेंट कट के एक तो हमारी सेविंग हो रही है, हमारे इमरजेंसी कंडीशन में वो काम आ जाएगा। दूसरा उतना पैसा कंपनी भी तो लगा रहा है, वो भी तो बेनिफिट है। अगर आप पीएफ नहीं कटवाएंगे तो कंपनी भी नहीं लगाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपका एक बार भी अगर किसी नियोक्ता के साथ, नियोक्ता मतलब किसी कंपनी के साथ ईपीएफ अकाउंट खुला है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पहली बार जब आप काम करने जा रहे हैं, पहली कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तो आप चाहें तो फॉर्म 11 भर के बच सकते हैं, आप पीएफ अपना पैसा नहीं कटवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं काम कर लिया है, पीएफ का खाता आपका खुल गया है, तो आपको पीएफ कटवाना मजबूरी है। फिर लिखा है अपना पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए साइट दे रखा है epfindia.gov.in में पीएफ नंबर से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि यूएएन नंबर से पीएफ चेक या पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यूएन एक्टिव होना जरूरी। यूएन क्या है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब है क्या पीएफ डबल मिलता है, इस पर क्वेश्चन है ना। लिखा है दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह डाउट है
ईपीएफ यानी इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा पीएफ का पैसा डबल मिलता है या नहीं। जी हाँ, यह बिल्कुल पीएफ का पैसा डबल मिलता है, लेकिन कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि जब पीएफ बैलेंस चेक करते हैं तो पीएफ बैलेंस बताता है वह इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर के शेयर का जोड़ होता है, लेकिन डबल केवल इम्प्लॉय शेयर का ही होता है, लेकिन आपके बेसिक और डीए बेसिक एवं डीए का 12% जो पीएफ खाते में जमा होता है उसका डबल होता है, ना कि इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर शेयर का। बस में आ रहा ना, डबल कैसे हो रहा है? क्योंकि 12% इम्प्लॉय की सैलरी से कट रहा है और 12% इम्प्लॉयर लगा रहा है, इसलिए वो डबल हो रहा है। हाँ तो वो पेंशन स्कीम में जाता है। हाँ, उसका पैसा विड्रॉल होता है। जब आप नौकरी रिजाइन करते हैं, जॉब छोड़ते हैं, तो सारा पैसा जो है आपको वापस मिल जाता है। अगर आप उसको चाहें तो किस्तों में ले सकते हैं, या आप एक साथ भी विड्रॉल कर सकते हैं। अगर किस्तों में लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप एक साथ विड्रॉल करते हैं तो पूरा अमाउंट आपको एक साथ वापस कर दिया जाता है। देखो, अब इसमें और डिटेल में समझा रहे हैं। आपका जो पीएफ जमा होता है वह 3 भाग में डिवाइड होता है ना, पहला इम्प्लॉय का शेयर, दूसरा इम्प्लॉयर का शेयर और तीसरा होता है पेंशन। ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। इन तीनों भाग को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका टोटल पीएफ बनता है, यानी आपका इम्प्लॉय का शेयर, इम्प्लॉयर का शेयर प्लस पेंशन में जो पैसा जमा हो रहा है, तीनों को जोड़ दिया जाए तो वही आपका पीएफ है। ऊपर पासबुक में देख सकते हैं, पहले कॉलम में इम्प्लॉय का शेयर 1102 ना, आपकी तनख्वाह जमा किया गया 12% पीएफ है। यदि आप बाकी दोनों कॉलम इम्प्लॉयर और पेंशन को जोड़ेंगे तो भी वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो टोटल मिला के 12% इम्प्लॉय दे रहा है और 12% इम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन इम्प्लॉयर जो पैसा दे रहा है वह आपका जो है पेंशन स्कीम में भी जमा कर रहा है और आपके पीएफ के खाते में जमा कर रहा है। पेंशन स्कीम में 1.33% जमा हो रहा है और आपके पीएफ के खाते में 3.67% जमा हो रहा है। इसका मतलब आपका जमा हुआ पीएफ है उसका दोगुना जमा हुआ है, 1102 रुपए इम्प्लॉय के खाते से और 1102 रुपए कंपनी से, टोटल हो जा रहा 2204। जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो इतना रुपए पीएफ के रूप में आपको मिलता है। अब इसको समझ में आ गया होगा कि पीएफ डबल कैसे होता है। ठीक है, पीएफ और पेंशन मिला कोई डबल होता है। अब नेक्स्ट चीज है ईएसआईसी। ईएसआईसी क्या होता है वो चीज समझिए। साधारण शब्दों में कहें तो ईएसआईसी का मतलब इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ईएसआईसी कहते हैं। यह एक डिपार्टमेंट होता है, अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा निगम। यह एक स्वास्थ्य बीमा करने की व्यवस्था है। इससे आपका एक इंश्योरेंस होता है जिसमें सभी प्रकार के कर्मचारी जो किसी ऐसी संस्था में काम करते हैं जिसमें 10 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, उनके स्वास्थ्य बीमा कराने की व्यवस्था है। ईएसआई के अंतर्गत जमा होने वाला वित्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ईएसआई एक्ट 194 एक्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसका नाम है इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसने नियम ये बनाया है कि अगर किसी कंपनी में 10 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो उसको अपना ईएसआई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अपने यहाँ काम करने वाले सभी इम्प्लॉयों का इंश्योरेंस का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ईएसआई के फायदे क्या है वो समझिए। ईएसआई में पंजीकृत व्यक्ति अपने और अपने परिवार के सदस्य का चिकित्सा उपचार करने का हकदार होता है। चिकित्सा सुविधा हेतु डिस्पेंसरी उसका उपलब्ध होना, ईएसआई हॉस्पिटल में गैस बेनिफिट और कैशलेस सेवा का उपलब्ध होना। ठीक है, ऐसे कुछ लाभ यहाँ पे ईएसआई से दे रखे हैं। ईएसआई के अंतर्गत ये सारी चीज आती है। अब ईएसआई एक्ट रूल क्या है। ईएसआई एक्ट के तहत यदि कोई संस्था इस स्कीम के तहत पहली बार कार्यान्वित होती है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता और कर्मचारी का अंश का योगदान अगले 2 वर्षों अर्थात 24 महीनों के लिए निम्नलिखित होगा।
नियोक्ता मतलब कंपनी का जो अंशदान होगा वो 3% और कर्मचारी का जो अंशदान होगा 1%। यानी 3% कंपनी देगी इंश्योरेंस में और 1% इंप्लाई की सैलरी से डिडक्ट होगा। फिर है 24 महीने पूर्ण होने के बाद अंशदान में कुछ इस प्रकार से नियोक्ता का जो अंशदान हो जाएगा कंपनी का 4.75% और कंपनी का अंशदान हो जाएगा 1.7%। इस स्कीम के तहत 21,000 या 21,000 से कम वेतन पाने वाले लोगों का पंजीकरण अनिवार्य है। जिनका वेतन कम है कि अगर उनके घर कोई इमरजेंसी हो जाए तो इलाज ना करा सकें, इसके लिए सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है और किसी ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं जहां 20 से अधिक एम्प्लाई काम करते हैं तो कंपनी आपका ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कराएगी। इसके अलावा वह लोग जिनके 21,000 से अधिक वेतन है वह यदि चाहे तो ईएसआई एक्ट 1948 के तहत स्वेच्छा से पंजीकृत हो सकते हैं। जिसका 21,000 से कम है उसका तो अनिवार्य है, लेकिन उसके ऊपर वाले अगर चाहें तो स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई भी स्थापित संस्था, कंपनी या फैक्ट्री इत्यादि जिसमें कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक, कुछ राज्यों में 20 हो, ईएसआई एक्ट 1948 और ईपीएफ एक्ट के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य। यानी कुछ राज्यों में उसकी संख्या 10 निर्धारित की गई है, कुछ राज्यों में उसकी संख्या 20 निर्धारित की गई है, उस राज्य पर वो डिपेंड करता है। अब ईएसआई से क्या है, ईएसआई की तरफ मुफ्त इलाज होगा। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ईएसआई की स्कीम में रजिस्टर्ड व्यक्ति का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। देखिए लिखा है, कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा सहायता होता है जब इसके तहत कर्मचारी का मुफ्त में इलाज करवाने की सुविधा दी जाती है। कुछ मामलों में कर्मचारी को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है, अर्थात कर्मचारी काम ना करने का योग्य हो तो उसे घर बैठे वेतन दिया जाता है, लेकिन यह कुछ निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें इलाज कैसे कराएं उसके लिए दे रखा है फार्म और कौन सा भरवाना है। अब ईएसआई में अन्य सुविधाएं क्या है, ईएसआई डिस्पेंसरी में आमतौर पर सर्दी जुकाम खांसी से बीमारी हुई तो दवाइयां दी जाती है। ईएसआई का कोई डिस्पेंसरी बना रखे हैं, किंतु कुछ मुख्य ईएसआई हॉस्पिटल में इलाज की जैसी सुविधाएं रहती हैं तथा साथ देने वाले व्यक्ति के लिए तथा मरीज हेतु तो भोजन, रहने, सोने की भी व्यवस्था होती है तथा एम्बुलेंस की भी सुविधा होती है। ठीक है, अब मेन, अब इसके आगे समझना, ग्रेजुटी क्या है। ग्रेजुटी शब्द आपके सामने बार बार आएगा, हम लोग पीएफ का हेड बनाएंगे तो वहां ग्रेजुटी भी बनाएंगे। ये पीछे बात मत करिए आप लोग, क्योंकि कल जो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे ये सारे हेड हम लोग बनाएंगे। ईपीएफ का हेड बनाएंगे, ईपीएफ डिडक्शन का बनाएंगे, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का बनाएंगे, तो वहां आपको फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका हिंदी में पहले से हम लोग समझा दे रहे हैं। ये सब चीजें क्या है, ग्रेजुटी क्या है समझिए। कंपनी में कार्यरत कंपनियों के मन में पीएफ, ईएसआईसी, पेंशन के अलावा ग्रेजुटी भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत से सवाल आते हैं, जैसे कि ग्रेजुटी क्या है, ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैं कब ग्रेजुटी का हकदार बनूंगा, ग्रेजुटी के तौर पर मिलने वाली मिली कितनी रकम टैक्स फ्री होगी और कितनी ग्रेजुटी पर इनकम टैक्स देना होगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर नौकरी पेशा करने वाले के इंसान में घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझने की जरूरत ये है कि आखिर ग्रेजुटी क्या है। ग्रेजुटी वह इनाम या उपहार है जो कर्मचारी को उसके लंबे समय तक काम करने के बदले कंपनी द्वारा दिया जाता है। नियोक्ता मतलब कंपनी, अगर कोई कंपनी ये देख रही है कि हमारा ये एम्प्लॉई लगभग 10 साल से हमसे जुड़ा हुआ है, 10 साल से मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो उसके बदले वो उसको ग्रेजुटी की सुविधा देती है जिसमें उसको कुछ राशि मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का इनाम समझ सकते हैं या इसको एक गिफ्ट या उपहार के तौर में समझ सकते हैं। वैसे तो ग्रेजुटी उस कर्मचारी को दिया जाता है जिसने अपनी नौकरी लगातार 5 साल पूरी कर ली हो। ऐसे कर्मचारी की सेवा को 5 साल की अनवरत सेवा माना जाता है, लेकिन यदि कोई कर्मचारी 4 साल 10 महीने और 11 दिन नौकरी करके भी छोड़ देता है तो भी ग्रेजुटी का हकदार बन जाता है। अब 5 साल तो माना जाता है उसका जो है जनरल, लेकिन अगर कोई 4 साल 10 महीने 11 दिन भी काम करता है लगातार बगैर छुट्टी लिए तो वो माना जाता है कि वो ग्रेजुटी का हकदार। छुट्टी ले मतलब 1-2 दिन छुट्टी ले सकता है, छुट्टी लेने मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल छोड़ के चला गया, 2 साल बाद फिर आ गया तो उसको काउंट कर हो जाएगा।
एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना छुट्टी ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई रिजाइन देके चला गया, फिर आया, फिर ज्वाइन किया, तो उसको ग्रेजुटी में काउंट किया जाए। इसका मतलब यदि बार बार आप नौकरी छोड़ते हैं तो आप कभी भी ग्रेजुटी का हकदार नहीं बन पाए। अगर आपको ग्रेजुटी चाहिए तो एक कंपनी में आपको लंबे समय तक काम करना होगा, तब आपको ग्रेजुटी मिलेगी। इसलिए आपको किसी कंपनी में 5 साल तक काम करना जरूरी है। अब ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट करें वो समझिए। ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का फार्मूला ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5 साल की सेवा के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसे 15 से गुणा किया जाता है। फिर सेवा में किए गए सालों की संख्या से और उसके बाद हासिल होने वाले रकम को 26 से भाग दिया जाता है और यही आपकी ग्रेजुटी। ग्रेजुटी निकालने का तरीका, अंतिम माह का बेसिक वेतन, लास्ट महीने का जो आपका सैलरी है वो, गुणे महंगाई भत्ता। अगर आपको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है तो डीए, ठीक है, गुणे 15 करेंगे और सेवा में आपने कितने साल नौकरी किए हैं वो करेंगे और डिवाइड बाय 26 कर देंगे। अब देखो एग्जाम्पल समझाया गया है। मान लीजिए कि आप किसी संस्थान में 21 साल 11 महीने नौकरी की है और अंतिम सैलरी आपकी 22,000 रुपए की है, तो आपको 24,000 रुपए महंगाई भत्ता मिलता है। तो इससे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ नौकरी 22 साल तक की मानी जाएगी। इसके बाद आप 22,000 और 24,000 के रकमों को जोड़ेंगे तो आपके पास 46,000 की रकम आएगी। फिर से 15 से गुणा करके 6,90,000 मिलेगा। फिर इस रकम को अपनी सेवा के साल यानी 22 से गुणा करना होगा। अब आपको हो जाएगा 21,22,000, 1,51,80,000 की रकम हासिल होगी। अब अंत में इस रकम को आपको 26 से भाग देना होगा तो आपके पास, एहसान रहिए, 5,83,846 रुपए, ये ग्रेजुटी का अमाउंट ये इम्प्लॉय को मिलेगा ना। अब देखा क्या ग्रेजुटी पर टैक्स भी लगता है। विस्तार, ग्रेजुटी एक्ट के तहत निश्चित फार्मूला के हिसाब से किए गए ग्रेजुटी यदि 20 लाख रुपए है तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। ये 5 लाख है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी के तौर पर मिलने वाली पूरी रकम टैक्स फ्री होगी। यदि उस पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना, यानी 20 लाख रुपए तक आपकी ग्रेजुटी आ रही है तो आप पर कोई भी टैक्स देना नहीं ना। 20 लाख ऊपर रहेगा तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अब इसके बाद बचा है आपकी ईपीएस। ईपीएस का मतलब है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इसके बारे में कल आपको बता दिया जाएगा। ईपीएस क्या है, ईपीएस में किस तरीके से काम होता है, थोड़ा बहुत तो आइडिया आज आप लोगों को लगा होगा कि पीएफ क्या है।